बहुत समय पहले की बात है, सिंहपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी में संतुष्ट था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। रमेश सेठ धनीराम के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ धनीराम रमेश को पैसे देता था, जिससे रमेश और उसके परिवार का जीवन यापन होता था। सुरभि, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज बहुत देर हो गई है, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन सौरभ पिछले दो दिनों से कह रहा है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने इंटरव्यू के अंदर देखा, वही एनिमेशन को क्रिएट करने वाले हैं कि किस तरीके से ऐसी एडवांस एनिमेशन बनाई जाती है, वो भी मोबाइल से। तो चलिए, इस तरह की एनिमेशन बनाने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा क्रोमा टून। डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस होगा। आपको यहाँ पर जो करेक्टर्स बटन दिया गया, इस पर क्लिक करना है एंड अपनी डिवाइस से आपको यहाँ पर कुछ कस्टम करेक्टर इंपोर्ट करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो अच्छे से आप जो आपने बनाए हैं बेहतर करेक्टर्स, उनको आप इजीली इंपोर्ट कर पाएंगे। एंड फ्रॉम ड्राइव वाला ऑप्शन है, इस पर आपको चेक करना है एंड लोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोड पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल की गैलरी ओपन होगी, आप यहाँ से करेक्टर्स को इम्पोर्ट कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, हमने दो करेक्टर इंपोर्ट कर लिए हैं जो कि हमारी स्टोरी के लिए काफी हैं। यदि आपको यहाँ पर और भी करेक्टर्स की जरूरत पड़े तो आप इस बटन पर क्लिक करके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसे एनिमेट करना है, जो कि हम जब भी एनिमेशंस बनाते हैं, कार्टून्स बनाते हैं, उन्हें एनिमेट करना है कैसे, टॉकिंग कैसे, वॉकिंग कैसे करना है। इन सभी एनिमेशन को करने के लिए आपको प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है जो करेक्टर्स के ऊपर है। यहाँ पर आपको सभी एनिमेशन दी गई हैं। आपको आइडल, आइडल का मतलब है मेरे भाई कि साइलेंट एनिमेशन के अंदर, पहले एनिमेशन के अंदर आप देख रहे हैं कि साइलेंट खड़े हैं, प्लस बटन पर क्लिक करना है। पहले एनिमेशन के अंदर आप देख रहे हैं कि साइलेंट खड़े हैं। अब आपको पहली में साइलेंट चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरी में आपको टॉकिंग चाहिए, टॉकिंग करने के लिए फोन पर बात, यानी कि दूसरी एनिमेशन मूव नंबर टू लिखा है यहाँ पर, मूव नंबर टू या फिर वन। देखिए, यह तो एक नॉर्मल एनिमेशन है, यहाँ पर कोई एनिमेशन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर जीरो दिखाया गया है। मूव नंबर वन यहाँ पर फोन पर कॉल करने वाली है। टोटल यहाँ पर हम अपनी तरफ से माने तो सेवन एनिमेशन है, इनकी वजह से माने तो सिक्स एनिमेशन है, क्योंकि साइलेंट एनिमेशन को भी एक पोज माना जाता है। अब यहाँ पर आपको फोन पर बात करने वाली जो एनिमेशन है, इस पर आपको एक बार टैप करना है। टैप करते ही आपको यहाँ पर इस तरीके से तमाम तरीके की एनिमेशन देखने को मिलेंगी, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे रन हुई, सैड रन हुई, सिटिंग हुई, आइडल सिटिंग हुई, किस तरीके से आपको बिठाना है, घुटनों के बल और पैरों के बल, या फिर टॉकिंग के साथ ही सिटिंग करना है, या फिर आपको टॉकिंग करानी है, टॉकिंग एक पॉइंट पर कराना है। तो हम नॉर्मल टॉकिंग कराते हैं, दोनों हाथ को नहीं, एक हाथ को चला करके, हम यहाँ पर टॉक वन। यदि आप टॉक टू का यूज करते हैं, दोनों हाथों को एक साथ ये बंदा चलाएगा, एंड ओके। इतना करने के बाद आप देखेंगे इस तरीके की हमारी टॉकिंग हो चुकी है। अब आपको ध्यान है यहाँ पर कुछ पॉइंट और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो यहाँ पर ये पर्दा है, इससे हम पर्दे को कस्टमाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा आपकी मर्जी है वैसा हम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसे हमें पूरा फुल कर देना, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप इसे फुल भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ। इसे अनटिक कर देना है, और टिक करने के बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, ये वाला थर्ड ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही आपको इम्पोर्ट बीजी पर चले जाना है। एक और सबसे मेन पॉइंट है मेरे भाई, यहाँ पर काफी भाई कंफ्यूज होते हैं। यदि आपने यहाँ पर कलर को ब्लू कर दिया तो आपका जो क्रोमा की है नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका भी कलर ब्लू ही जैसा है, ठीक है, ओके, समझ गए होंगे। आपको यहाँ पर ग्रीन यूज करना है, इसी तरीके से आपको समझ समझ के ग्रीन या फिर ब्लू यूज करते रहना है, ओके। इतना करने के बाद आपके सामने एक तो एड शो होगा, एड शो होने के बाद आपका ये एनिमेशन कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। अब हम ये समझेंगे कि आपको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, वही हम आपको कैसे कस्टमाइज करने हैं। इन बीजी है, ये समझिए आप, ठीक, आपने ग्रीन बीजी का भी यूज कर लिया है। एनिमेशन बाय एनिमेशन अब रिकॉर्ड कैसे करना है,
इसके अंदर रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन है। वट ये ऑप्शन कभी कभी काम करता है और कभी कभी ये ऑप्शन काम नहीं करता है। तो आपको एक्स रिकॉर्डर, जैसे हम करते हैं, कोई भी रिकॉर्डर हो सकता है, प्ले स्टोर से फ्री में काफी एक्स रिकॉर्डर या फिर रिकॉर्डर्स मिलते हैं जो कि हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को करते हैं, और हमारे मोबाइल में भी एक रिकॉर्डर होता है, आप उससे भी ऑडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप सभी के मोबाइल में यहाँ पर कोई रिकॉर्डर नाम लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख पा रहे हैं, इसी तरीके से सभी के मोबाइल के अंदर एक रिकॉर्डर होता है, तो आप उससे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको एक पोज को एक बार में रिकॉर्ड करना, जैसे कि यहाँ पर हमने साइलेंट एनिमेशन दे दी, इसको इधर की साइड सिमटा देंगे ऐसे करके, इसको बीच पर्दे में लेकर आ जाएंगे और थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, दूसरा बंदा बिल्कुल अंदर जा चुका है, ग्रीन बीजी है, इसको साइलेंट में एक बार रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे आप रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करोगे ना भाई, आपकी रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको ऐसी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है जैसे कि हम बता रहे हैं। ठीक, रिकॉर्डिंग को बंद करने के आप क्रोमा टून का जो लोगो है इस पर क्लिक करना है, रिकॉर्डिंग आपकी बंद हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर टॉकिंग एनिमेशन के अंदर रिकॉर्डिंग करना है या फिर फोन पर बात करने वाली एनिमेशन के अंदर रिकॉर्डिंग करना है। दूसरी एनिमेशन हमें भैया फोन पर बात करने वाली है, ठीक, तो यहाँ पर आपको टॉकिंग कैसे फाइंड करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, स्क्रॉल करना इस तरीके से और आपको यहाँ पर टॉक वन टॉक टू नाम की एनिमेशन मिलेगी। अब क्या हम आपको टॉक टू एनिमेशन डालकर दिखाते हैं। टॉक टू एनिमेशन इस तरीके की होती है। टॉक टू एनिमेशन जैसे ही आप देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से रिकॉर्डिंग बटन पर आपको फिर से क्लिक करना, देखिए इसी तरीके से मेन की करनी है एनिमेशन, इसी तरीके से फीमेल की करनी है। 10 से 20 सेकंड के पार्ट को रिकॉर्ड करना है, ये 10 का टॉकिंग का कर लिया, 10 सेकंड सेकंड का वॉकिंग का कर लिया, स्लीपिंग का कर लिया, आइडल एनिमेशन का कर लिया, सभी का 20-20 सेकंड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड करनी है। मैन का और वूमेन का दोनों का एक जैसा होता है। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो रिकॉर्डिंग है स्टार्ट हो चुकी है। क्रोमाटून परमिशन मांग रहे भैया, परमिशन दीजिए। यदि आपने परमिशन दी तो आपकी जो बाहरी रिकॉर्डिंग है वो नहीं चलेगी, क्रोमाटून की ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलेगी। तो यहाँ पर आप ऐसे ऐसे कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हमारी जो इस तरीके की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ऐसे हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। अब रिकॉर्डिंग को बंद करना है या फिर एनिमेशन को चेंज करना है। एनिमेशन को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर क्रोमा टून पर क्लिक करना होगा एंड कैंसिल करना होगा, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी, हमारी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही थी, एंड ओके करना होगा, एड को पॉज करना होगा। अब आपको यहाँ पर एक नॉर्मल एनिमेशन चाहिए फोन पर बात करने वाली, फिर से आपको रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करना है और फिर से परमिशन दे देनी है यदि आप क्रोमा टून से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अन्यथा की कोई बात नहीं, यहाँ पर कर देना है। एंड फिर से आपको रिकॉर्डिंग करने के बाद 20 सेकंड रिकॉर्ड करने के बाद फिर से कैंसिल कर देना है एंड फिर से ओके कर देना है। इस तरीके से जितनी भी आपको रिकॉर्डिंग करनी है पोज बनाकर रख लीजिए, जब भी जरूरत पड़े फटाफट से आप लगा दीजिए, तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। आई होप के वीडियो पसंद आया, दिया है पसंद तो लाइक करिए, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब एडिटर में चलकर आपको समझाते हैं किस तरीके से सब। देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर। काफी भाइयों की डिमांड आ रही थी कि हमें काइन मास्टर ही चाहिए, हमें काइन मास्टर से एडिट करनी है। तो पहला उस पार्ट के अंदर आपने देखा था कि हमारी जो वीडियो थी उसका थोड़ा सा इंट्रो चला था। सबसे पहला आपको जितना देर का आपको रिकॉर्ड करना है इंट्रो, मान लीजिए कि मुझे 4 सेकंड के बारे में, बहुत समय पहले की बात है, इस तरीके से 4 सेकंड का ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है, सीन बनाना है, इस पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने दो ऑप्शन से, या तो आप की फ्रेमिंग का यूज़ कर लीजिए या फिर आप अदर चीज़ों का यूज कर लीजिए। ध्यान रहे कि फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोई भी की फ्रेमिंग नहीं आती है। देखिए इसके अंदर कोई भी की फ्रेमिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब आपको ऐसी पोजिशन में क्या करना होगा, कैपकट एप्लीकेशन उसके अंदर आपको की फ्रेमिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी की फ्रेमिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर पेन एंड जूम का ऑप्शन ही की फ्रेमिंग का खेल है मेरे भाई। तो सबसे पहले आपको सेकंड एनिमेशन में चले जाना है। सेकंड एनिमेशन यानी कि सेकंड पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन होती है एंड एंड पोजीशन होती है। आपको एंड पोजीशन के अंदर चले जाना है और जो पार्ट आपको जूम करके दिखाना है उस पार्ट को यहाँ पर आपको सेट कर लेना है इस तरीके से, जो भी आपको दिखाना है ऐसे इतना आपको कर लेना है, एंड से बैक कर देना है। अब आप वीडियो को प्ले करिए तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारा ये सीन कवरअप हुआ था। अब एक गांव के बारे में बात करी थी, इसी पार्ट को रिप्लेस ना करके हम मीडिया वाले ऑप्शन में चले जाएंगे एंड पिक्चर वाले ऑप्शन में चले जाएंगे एंड जहां पर हमारे इमेजेस हैं वहां जाएंगे
और कोई भी इमेजेस ले लेते हैं, इसकी तुलना नहीं, यह इमेजेस हमने एआई जनरेट करे हैं। भी आपको भी ऐसे इमेजेस बनाना है तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अपलोड कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके डिवाइस में काम ना करें हमारी तरह। तो काफ़ी बड़े बड़े इमेजेस हैं, 4K से लेकर 8K तक के इमेजेस हैं, जितना भी जूम कर लो फटेगा नहीं ये इमेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन के द्वारा ये बनाए गए। अब आपने देखा होगा कि एक गांव में जो हमने करेक्टर फिलहाल के रिकॉर्ड किया है उसको यहाँ पर इम्पोर्ट करना लेयर मीडिया पर जा करके, के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है एंड आपको नीचे क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा इस तरीके से, इस पर इनेबल कर देना है और 52:28 ही रखना है, इतने में ही क्रोमा की बहुत बढ़िया होता है। और करेक्टर्स को सदैव ही सदैव आपको फ्लिप करके रखना है, क्योंकि इधर की साइड यदि मुंह होता है तो काफी अच्छा हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, पहले यहाँ पर फ्लिप का भी ऑप्शन आता था, लेकिन जैसे जैसे आप अपलोड करेंगे तो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको फ्लिप का ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। अब ये सीन बना की बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में, ठीक है, आप यहाँ पर गांव का भी बिजी ले सकते थे, फिलहाल मैंने घर का बिजी यहाँ पर इंपोर्ट किया हूँ। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर टॉकिंग की जरूरत पड़ सकती है, तो टॉकिंग के लिए फिर से आपको बैकग्राउंड को रिप्लेस करना है, दूसरा करना है और फिर से एक ह्यूमन करेक्टर, सॉरी वोमेन करेक्टर्स को यहाँ पर इम्पोर्ट करना है। अयो हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक ह्यूमन को ले लिया, सॉरी एक वोमेन को ले लिया, एक मैन को ले लिया है। अब इन दोनों का संवाद यहाँ पर होगा, दो बच्चे थे यहाँ पर, हमने उन दोनों बच्चों को नहीं लगाया, आप समझ सकते हैं ये बहुत ज्यादा लैगिंग करता है, इसीलिए हम एक काइनमेस्टर का यूज नहीं करते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो करिए, लेकिन आपकी डिमांड पर काइनमेस्टर का ट्यूटोरियल लेकर आना पड़ा है। अब आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके की एनिमेशन है, फिलहाल के लिए थोड़ा प्ले करते हैं, यह टॉकिंग कर रही है। तो आपको इस तरीके से ही करेक्टर्स को ऐड करना, अब आपको यहाँ पर रिप्लेस करना, जब भी आप करेक्टर्स को ऐड करेंगे दूसरा तो आपको इसे डिलीट नहीं करना है, नहीं तो आप दोबारा इसे इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो आपको इस तरीके से सबसे पहले कट करना है, इस तरीके से दोनों को जहां जहां से आपकी जरूरत पड़े वहां वहां से आपको कट कर लेना है ऐसे, ओके। कट करने के बाद आपको वीजी का साइज भी बढ़ा देना है, जितना आपकी जरूरत के हिसाब से आपको वीजी का साइज बढ़ाना है। अब आपको मान लीजिए कि इसको साइलेंट करना है और इनको टॉकिंग कराना, तो आप इस तरीके से रिप्लेस बटन पर क्लिक करके रिप्लेस करेंगे, ना कि ऐसे ही। यदि आप ऐसे ही कट करके डिलीट करके दोबारा से इंपोर्ट करेंगे तो इसको आप प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं कर पाएंगे जैसा कि हमने पहले किया था। अब हम रिप्लेस करके दिखाते हैं, ये यहां से हमने रिप्लेस इनको कर दिया है। अब यहां पर देखिए कौन बोल रहा है, अब यहां पर रामू बोल रहा है, पहले कौन बोल रहा था, ये बोल रही थी, इनका नाम हमने सोनू रखा था। और इस तरीके से हमने दोनों का नाम यहाँ पर रख लिया है और दोनों को इस तरीके से हमने ऐड किया है। यदि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर भी इस तरीके से आ रही है तो आप इस लेयर पर क्लिक करना है और हल्की सी इस तरीके से इस लेयर को सटा देना है, ऐसे कुछ करके दिवाले ध्यान से करना है। इसमें चुमके वाल बहुत कम है, जैसे कि ये लेयर को अट्रैक्ट करने की क्षमता इसमें कम है, तो आप थोड़ा सा अपने मैनेज करके लेना और अच्छे से इसे सेट करने के बाद वीडियो को प्ले करके देख लेना। तो इस तरीके से ये रिप्लेस करके यह काम आपको करना है, तभी आप इस तरीके की एनिमेशन इजीली कर पाओगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, कोई भी क्वारी कमेंट कार्टून से रिलेटेड ट्यूटोरियल से रिलेटेड बनता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।